जैसे कि आज का जो लेक्चर है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा था और अभी जो है वो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है ना। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनके मोड्स भी अलग अलग होंगे रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होंगे, जैसे किसी में कोई बॉडी ऑर्गन होगा जो रेस्पिरेशन के लिए होगा, किसी में कोई बॉडी ऑर्गन होगा जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर व्हाट इज हैविंग हियर कि सबसे पहले इन सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जैसे अमीबा है ना, अमीबा, तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ इररेगुलर शेप। तो उसके पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन। सो द ऑक्सीजन कैन इजिली डिफ्यूज बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस एंड गोज इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा, ठीक है। अमीबा में आसानी से जो है रेस्पिरेशन हो जाएगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा वो आराम से अमीबा में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, अरे कोई भी जो सॉरी ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा कि अमीबा में सिंपली डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है ना। अमीबा में जो ऑक्सीजन है सिंपल डिफ्यूज हो जाएगी, तो एक्सचेंज ऑफ गैस इजीली कैन टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो उसके अंदर चली जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आता है द एनिमल्स लाइक अर्थ वर्म, उसके बाद जो सेकेंड लाइन आता है द एनिमल्स लाइक अर्थ वर्म टेक रेस्पिरेशन बाय स्किन, है ना। एनिमल्स जो है अर्थवर्म जो है एनिमल, तो अर्थवर्म में क्या होगा, रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा होता है, जैसे स्किन है बॉडी सरफेस स्किन, उसके ऊपर ही आराम से, जैसे अर्थवर्म का स्किन है, अर्थवर्म है मान लीजिए ये, और ये इसका स्किन है ना, ये अर्थवर्म है मान लीजिए, है ना। सेगमेंटेड बॉडी होती है, पता है ना आपको, अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो अर्थवर्म में ये सिंपली स्किन मॉइस्ट होती है, स्किन मॉइस्ट होती है, आसानी से इधर से गए और इधर से एक्सचेंज हो गया, यहाँ से CO2 बाहर हो गई और O2 अंदर हो गई, ठीक। तो लाइकवाइज ये आपको अर्थवर्म में दिखाई देता है, ठीक है, अर्थवर्म में इस तरीके से दिखाई देता है, बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट एक्वाटिक एनिमल्स का, एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश प्लांट्स एंड मसल्स, है ना। इनमें क्या होता है, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनमें गिल्स रिस्पॉन्सिबल होता है, गिल्स, है ना, गिल्स से वो रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स से वो सांस लेते हैं, गिल्स के अंदर वाटर जाता है और फिर ऑक्सीजन वो डिफ्यूज हो जाती है अंदर और वाटर जो है वो बाहर गिल्स के थ्रू निकल जाता है, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स जो है डिजॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन होता है वाटर में उसी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से एक्वाटिक प्लांट्स का ब्रीथिंग रेट भी फास्टर होता है एज कंपेरिजन टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका आता है कि इंसेक्ट्स लाइक ग्रास ऊपर, ना ग्रास ऊपर हो गया या और भी जैसे मॉस्किटो हो गया और भी इस तरीके के जो इंसेक्ट्स हैं उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं उनके बॉडी सरफेस पे, जैसे बॉडी है तो बॉडी के ऐसे सरफेस पे टाइनी होल्स, है ना, टाइनी होल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पैरिकल्स, स्पैरिकल्स बोलते हैं, स्पैरिकल्स, है ना, स्पैरिकल्स होते हैं और वो स्पैरिकल्स के थ्रू ही अपना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये चीज हो जाती है इंसेक्ट्स में, तो इंसेक्ट्स में क्या हो गया बॉडी ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में रिस्पॉन्सिबल है वो है स्पैरिकल्स, ठीक है। लास्ट टाइप का जो आता है द अनदर लाइन्स एनिमल, जैसे लाइन एनिमल में इसके अलावा हमारा ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं और भी जो तमाम एनिमल्स हैं जैसे टाइगर या और भी फ्रॉग है ना, लिजर्ड है, बर्ड्स हैं, ये सब में क्या होता है रेस्पिरेशन लंग्स और स्किन दोनों ही तरीके से होते हैं, ठीक है ना, लंग्स और स्किन दोनों ही माध्यम से रेस्पिरेशन होते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट ऑर्गन्स जो है मौजूद है, जो कि क्या है, लंग्स, लंग्स के द्वारा जो मैन में, बर्ड्स में, फ्लाग में, ये सब में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। सो अब इसके इसमें और ये चीज़ें मान लीजिए कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, है ना, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन फीचर्स होती हैं, जैसे पहला पॉइंट जो है आपका कि जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, है ना, लार्ज सरफेस एरिया चाहिए,
उनके पास होती है लास्ट सर्विस एरिया, जिसके द्वारा कि वो जैसे अमीबा में अगर पूरा उसका सेल है जहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जा रही है, और भी तमाम जैसे एनिमल्स में जैसे स्किन है तो स्किन लास्ट सर्विस एरिया है ना, तो इस तरीके से लास्ट सर्विस एरिया होती है जिसके द्वारा वो अपने बॉडी में ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर लेते हैं या CO2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हर एक बॉडी ऑर्गन्स में जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर जो होता है वो क्या होता है कि पर्टिकुलर ऑर्गन्स विच आर हैविंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे है अमीबा है ना, तो या स्किन स्किन तो स्किन में क्या होता है आसानी से द गैसेस कैन इजली डिफ्यूज है ना, जो गैसेस हैं वो आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है ना, जो कि थिन वॉल्स होता है क्योंकि रेस्पिरेशन के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है और उसके द्वारा वो आसानी से गैसेस को डिफ्यूज कर देते हैं यानी कि एब्जॉर्ब कर देते हैं। थर्ड पॉइंट जो होता है वो कि जितने भी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं है ना, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जैसे स्किन हो गया या फिर आपका लंग्स हो गया या और भी जो बॉडी ऑर्गन्स है गिल्स हो गया, इनके पास जो है ब्लड की सप्लाई जो है वो रिच अमाउंट में होती है, रिच अमाउंट में ब्लड सप्लाई रहती है ताकि आसानी से जो है ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाए एक्सेप्ट ट्रैकिया, ट्रैकिया को छोड़ करके है ना, ट्रैकिया के पास ट्रैकिया से होकर के जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली सेल के अंदर रीच करता है, उसके पास कोई ऐसा ब्लड ऑर्गन ब्लड वहाँ पे ब्लड सप्लाई हो ऐसा कोई फीचर नहीं होता है, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीज़ें तो ये आपका क्या है कि दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। सो आई होप सो यू हैव गॉट द पॉइंट्स, ठीक है। सो If you have any comments, if you have any query, then you can comment to me. Thank you. Have a nice day.